इधर नज़ीर हुसैन ये गाने सुनने आते हैं। आहा, रात हो चुकी है और वो हमारी बकरियां बैठी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसैन, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अपना मज़ा। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। पंखे चलना शुरू हो चुके हैं। अच्छा जी, आज बाबा जी मिले हैं काफ़ी दिनों के बाद, सुबह आ रहे हैं। दरअसल वो बाहर कहीं गए हुए थे तो कह रहे थे कि कल आएंगे, उधर अपने जो फसल है चनों की फसल वो देखने जानी है। व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया क्योंकि सुबह फिर क्या स्टार्ट करूँगा, फिर तो प्रोसेस होगा। जो अभी जो हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको मतलब नहीं पता होगा कि बाबा जी कौन है, तो वो नीचे प्लेलिस्ट है बाबा जी की, वो देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी हम सो रहे हैं। ओके, चाय पीता हूँ, ठीक है, और यहीं पर कप रख देता हूँ बस, जंगले के ऊपर इधर पड़ा रहता है और भूल जाता हूँ कि जहाँ पर चाय पीता हूँ वहाँ पर रख देता हूँ। फिर अम्मी लड़ती है कि गन्ना हमारी माशाल्लाह अच्छी सिचुएशन है अभी, और कलर भी चेंज हो रहा है ना अभी मौसम जैसे जैसे नज़दीक। अच्छा, इधर मैं देख रहा हूँ बाबा जी को लेकिन अभी तक नहीं आए, क्यों नहीं आए? टाइम 8:30 बज चुके हैं सुबह के लेकिन अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि मैं आपको घर से ही बुला लूँगा और साथ जाएंगे जंगल में। एक मिनट, असेंबली होती पई, एक मिनट, बाबा की दे गए पर हाँ घर है। अच्छा, तो सके लगते बाबे दे थोड़े नन है। अच्छा, ना ना घर बैठे आख्या जाने आसा हल घर है। चलो सही है, उधर जा रहे थे उसके मतलब पोतरे समझ ले, वो लड़के जा रहे थे, उनका नाना लगता था, वो कह रहे थे कि वो घर है, ठीक है, तो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। हवा बहुत तेज़ चल चुकी है, अभी हम जा रहे हैं दर्जी के पास। दर्जी को कहते हैं कि भाई कपड़े अभी सिलाई करना शुरू करो, हवा चली हुई है थोड़ी, उठ उठ करके आ रही है मुंह पर, तो दर्जी के पास मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरे कपड़े ऐसे ही खड़े हैं, मतलब नहीं सिलाई की? जब आप कहोगे तब। नहीं, अभी आप स्टार्ट कर दो, मेला सर पर है। सर पर मेला? हाँ, सर पर मतलब 5-6 डे रह गए। अच्छा जी, तुसा ज्यादा बिजी तो नहीं वे? नहीं, मैं ता पहले थोन आखना है ताकि मैं दे सी संगू। अच्छा, हुन मन टाइम देओ, मतलब उस टाइम में जा लूं, पैसा दी जरूरत है अभी दे सकता हूं, फिर ओ न होवे बात जेड़ा थारे आगे हिसाब चलता है मेरे नाल वो करो। कितना चलता है? 600। ठीक हो गया उस्ताद, डन कर छोड़े। डन कितने दिनों में आप मुझे सिलाई कर? कल इस टाइम आप उठा लेना। कल इस टाइम उठा लेना। उठा ले, चलो ठीक है जी, मेहरबानी। जिंदगी तक क्या कहते हैं? जिंदगी का तो कोई पता नहीं। चलो ठीक है उस्ताद जी, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आपकी इच्छा हो, हिंदी इच्छा मर्जी। दरवाजा सर ये तुसा अपना वधवा वड़ा लवा छो, इत्था मेरा सिर भी अड़दा है। इत्था चेक कराओ,
थोड़ा ये न्यू किताब जाना मैं तो न्यू तो टपदा ना मैं तो इन करा था ओ अड़सी हां बड़क थे इन करी ना अच्छा ठीक है उस्ताद जी आके इधर नजीर हुसैन ये गाने सुनने आते हैं आ हाँ ये झंग का माछी है देखो कर रहे माछी सॉन्ग पंजाबी सॉन्ग के बहुत बड़े शौकीन हैं नजीर हुसैन तो इधर महफिल हमारी लगती है ये हाजी हो गया संभल नजीर इधर स्टूडियो उधर आसिफ वीडियो कर रहे वीडियो करे वाह चाह पी ले चाह पी ले चाह पी जोश जज्बा इतना है कि चाय नहीं पी रहा और नाचने पर मतलब फोकस है इसका मैंने लोड करवाना था लेकिन ये सिचुएशन बन गई कि नजीर हुसैन ने हमको नाच कर दिखाया गाना चला और साथ में नजीर हुसैन ने नाचना शुरू कर दिया और ये सिचुएशन बन गई मेरे को नहीं पता था हो गया दे रहे थे ये क्लास में तो बैठे इरफान यार लोड तक कर क्लास में भाई मेरे कब की शरीर में तो अभी इरफान आए उससे लोड करवाते हैं फिर चलते हैं घर 0347 53 78 598 100 ਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਹੈ ਅੱਛਾ ठीक हो गए मूछों वाला नाचना उसने शुरू कर दिया पहले भी कहता था कि मेरी वीडियो बनाओ तो आज अचानक मैं लोड करवाने गया उस लोड वाली दुकान पर उधर अक्सर औकात वो मतलब वहाँ पर रहता है मेहनत मजदूरी वाला बंदा है बड़े मतलब शुगली किस्म का फ़नी बंदा है ना वो पहले भी कहता था कि यार वीडियो बनाओ मैं नाचता हूँ गाना चलेगा उसी दुकान पर तो आज अचानक मतलब ये सिचुएशन बन गई तो इधर मौसम भी ख़राब हो रहा है अभी सनसेट होना है तकरीबन 1 घंटा पड़ा है तो अभी मौसम भी ख़राब हवा काफ़ी ज़्यादा है बहुत तेज़ हवा है तो आज के व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़